दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था VBA वेरिएबल। इस वीडियो में हम देखेंगे VBA कांस्टेंट। दोस्तों, VBA कांस्टेंट क्या होता है? वो एक तरह का वेरिएबल ही है, मगर उसमें जो वैल्यू हम स्टोर करते हैं वो थ्रू आउट द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम के दरमियान वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। जो वेरिएबल जिस तरह से वैल्यू होल्ड करता है, कोई भी डेटा होल्ड करता है, उसी तरह से कांस्टेंट वेरिएबल भी वैल्यू और डेटा होल्ड करेगा, मगर डिफरेंस इतना ही है, जो वैल्यू कांस्टेंट वेरिएबल में स्टोर की गई हुई होती है वो प्रोग्रामिंग के दरमियान चेंज नहीं हो सकती। तो कांस्टेंट वेरिएबल का जो नेमिंग रूल्स है वो हमारे रेगुलर जो वेरिएबल का नेमिंग रूल्स है उसी तरह से है। उसमें फर्स्ट लेटर कैरेक्टर होना चाहिए, कांस्टेंट वेरिएबल के नेम में स्पेस या स्पेशल सिंबल नहीं आने चाहिए, उसकी लेंथ है वो 255 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो VBA के कीवर्ड है वो हम कांस्टेंट वेरिएबल के नेम के नेम में यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरे इम्पोर्टेंट रूल्स है कि जब हम कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तभी हमें उसकी वैल्यू असाइन करनी है, मतलब जब हम कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तभी उसको हमें इनिशियलाइज करना है। और कांस्टेंट वेरिएबल है उसको हम प्रोग्रामिंग के दरमियान उसकी वैल्यू डायनेमिकली इनिशियलाइज नहीं कर सकते, और उसकी वैल्यू हम प्रोग्रामिंग के दरमियान चेंज भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर किस तरह से करना है, ये उसकी सिंटैक्स है। हम जब कोई सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तब यहाँ लिखते थे डिम, यहाँ पे हमें कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करना है इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट, फिर वेरिएबल का नेम, फिर एज कीवर्ड, और फिर कांस्टेंट वेरिएबल जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसकी डेटा टाइप, उसमें किस तरह का डेटा होल्ड होगा, किस तरह का डेटा उसमें स्टोर होगा, और फिर इक्वल टू की साइन करके उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हमने ये डिक्लेयर किया और उसके साथ ही उसकी वैल्यू भी हमें वेरिएबल को असाइन कर दी। तो यहाँ पे हम एक मैंने एग्जांपल दिया है कांस्टेंट वेरिएबल का, यहाँ पे मैंने पाई नाम का एक कांस्टेंट वेरिएबल लिया है और उसकी वैल्यू भी साथ में इनिशियलाइज की है। दोस्तों, हम यहाँ पे उसका एक कांस्टेंट वेरिएबल का छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। मैंने एक एक्सेल फाइल बना ली है, इसमें ये एक्टिव एक्स बटन भी रख लिया है, और यहाँ पे डिज़ाइन मोड ऑन करके यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके यहाँ जो हमारा कांस्टेंट वेरिएबल है वो मैं डिक्लेयर करता हूँ। कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें कीवर्ड लिखना है कॉन्स्ट, फिर वेरिएबल का नाम, यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ पाई, और उसकी जो डेटा टाइप है वो मैं डबल रखता हूँ क्योंकि उसमें उसकी वैल्यू है वो मुझे पॉइंट में चाहिए इसलिए। और इसके साथ ही हमें उसको इनिशियलाइज करना है, तो मैं उसकी इनिशियलाइज वैल्यू दे रहा हूँ 3.14। तो ये हमारा यहाँ पे हम एज कीवर्ड लिखना भूल गए थे, तो ये हमारा कांस्टेंट वेरिएबल हो गया। यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके साथ ही उसकी वैल्यू भी असाइन की, मतलब डिक्लेयर के साथ हमने उसको इनिशियलाइज भी कर दिया। अब जो हमारा वेरिएबल उसमें एग्जैक्टली वैल्यू स्टोर हुई है कि नहीं वो हम देख लेते हैं। ये मैंने प्रोग्राम सेव कर दिया, यहाँ पे मैं एक्सेल शीट में जाके डिज़ाइन मोड ऑफ करके डिसेबल करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हमने जो पाई की वैल्यू स्टोर की थी वो डिस्प्ले हो रही। दोस्तों, यहाँ बटन पे क्लिक करके भी हम इसको रन कर सकते हैं, और ये जो सब प्रोसीजर क्रिएट हुई है, ये जो बटन क्लिक की जो इवेंट है उसके लिए ये जो ब्लॉक क्रिएट हुआ है उसको हमें रन करना हो तो यहाँ पे हम कर्सर रख के यहाँ से ये जो बटन है वो प्रोग्राम रन करने के लिए है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फिर भी प्रोग्राम रन हो सकता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू सही से आ रही है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, ये हम इनिशियलाइजेशन निकाल देंगे, तो जो
कोड विंडो एडिटर है वो खुद ही एरर देगा कि यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे आपको कुछ अभी भी लिखना है। तो कांस्टेंट वेरिएबल है वो डिक्लेयर के समय ही हमें इनिशियलाइज करना है। तो ये था कांस्टेंट वेरिएबल। थैंक यू।